अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथीबियन। मैथीबियन चैनल पर आपको मिलेगी बहुत सारी वीडियोस, हर क्लास की ऑलमोस्ट आपको मैथमेटिक्स की वीडियोस मिलेगी। तो ये मैथीबियन चैनल का आपको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ मैं। इस पर ऑलमोस्ट आपको ऑल वीडियोस मिलेंगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये फौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखेंगे, प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में ये होगा कि आप अपनी मर्जी की किसी भी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सारी उसमें वीडियोस हैं। ये देखिए, कैलकुलस है, कैलकुलस वन है यहाँ पे, और ये डिफरेंट ये आपको दी हुई हर क्लास की। आप इस तरह से भी आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ, इस वीडियो में हम करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के रिलेटेड ऑल इसके क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ये है अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इंटू वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इसका ओवर सेकंड डेरिवेटिव। ये मैं डेरिवेशन फिर कभी करवाऊंगा आपको। ये फिलहाल सेंटर ऑफ कर्वेचर अल्फा बीटा होता है। अल्फा ये है, अल्फा का फार्मूला ये है, और बीटा जो आपके पास है इज इक्वल टू वाई प्लस वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इसका स्क्वायर डी वाई ओवर इसका सेकेंड डेरिवेटिव। तो पहले एग्जाम्पल करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल है और अगर अच्छी लगे तो जरूर इसको लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे खुशी महसूस हो कि आप लोग अगर देख इसको पसंद करेंगे तो मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा। एग्जांपल है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने हैं। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पहले डेरिवेटिव लेंगे एक्स ओवर टू ए, एक्स ओवर टू ए डेरिवेटिव आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव लिया वन ओवर टू ए। अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई सिंगल डेरिवेटिव इन टू वन प्लस वाई फर्स्ट डेरिवेटिव स्क्वायर ओवर सेकंड डेरिवेटिव। वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स बाय टू इन टू वन प्लस एक्स बाय टू स्क्वायर वन ओवर टू ए। इसको ओपन करें, सिंप्लीफाई करके मैंने दिखाया हुआ है आपको। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब ओवर फोर ए स्क्वायर। नाउ बीटा फाइंड आउट करते हैं। वाई प्लस इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू वाई प्लस इंटू वन प्लस वाई सिंगल डेरिवेटिव स्क्वायर और डबल डेरिवेटिव। वैल्यूज पुट कर दें सिंगल डेरिवेटिव की और नीचे डबल डेरिवेटिव लिख दिया आपने। जब इसको आपने रीअरेंज किया तो आपके पास आ गया वाई प्लस फोर ए प्लस एक्स स्क्वायर, ये फोर ए स्क्वायर ओवर फोर ए स्क्वायर ओवर वन ओवर ए। जब इसकी फ्रैक्शन को आपने चेंज किया तो इस तरह से आ जाएगा। कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वाई प्लस फोर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू ए। y का भी हम यहाँ पे अपने जो हमारे पास फंक्शन था उससे आंसर निकाल लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर फोर ए यहाँ पे पुट कर दिया हमने उसको। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू टू ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर ओवर फोर ए, इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपके पास ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर आर। ये वाले आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गए। एक्सरसाइज है पेज नंबर 301 पे, कैलकुलस की बुक है। एक्सरसाइज है 6.4, इंशाल्लाह सारी करेंगे इसमें इसको। फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एट पॉइंट 2 एंड 4। डिफरेंशिएट कर दें, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 4 ओवर y, सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए हमने इसको ऐसे किया अरेंज किया और यहां पे आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा dy d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू -16 ओवर y क्यूब। सेंटर ऑफ कर्वेचर अल्फा x माइनस y सिंगल डेरिवेटिव इनटू वन प्लस वाई सिंगल डेरिवेटिव स्क्वायर ओवर डबल डेरिवेटिव। अल्फा इक्वल टू माइनस फोर ओवर वाई इनटू वन प्लस फोर ओवर वाई स्क्वायर माइनस 16 ओवर वाई क्यूब। तो आप इसको ऐसे करें, इसका तो हम ले लेंगे एलसीएम। ये आ गया एलसीएम, लेने के बाद हमने इसको टू माइनस इस तरह से लिख लिया वाई स्क्वायर और वाई ये कट जाएंगे आपस में, ठीक है। ये वाला वाई और ये वाला वाई स्क्वायर मिलके वाई क्यूब कर देंगे, ये कट गए। 2 माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 16 ओवर माइनस 16 कट करके ये आ गया हमारे पास। और हमारे पास पॉइंट जो है ना वो 2 और 4 है, जहां पे वाई है वहां पे 4 पुट कर देंगे, जहां पे एक्स होगा वहां पे 2 पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे वाई की जगह पे 4 पुट किया, 16 प्लस 16 32 हो गया 1 ओवर 4, ये आंसर आ गया अल्फा हमारे पास 10। बीटा हमारे पास है वाई प्लस इंटू वन प्लस वाई सिंगल डेरिवेटिव स्क्वायर ओवर वाई सेकंड डेरिवेटिव, ये फार्मूला आपको पता है। बीटा फाइंड आउट करना है एट पॉइंट टू और फोर पे, इसको जरा सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास ये इसी तरह से आ जाएगा ये वाला। फर्दर इसको फोर प्लस वाई ओवर माइनस 16 वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई प्लस फोर प्लस वाई ओवर माइनस 16
यहाँ पे हमने वाई की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास ये कुछ इस तरह की सिचुएशन आ गई। तो आपके पास जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास माइनस फोर आ जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर एल्फा एंड बीटा आर 10 एंड माइनस फोर। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, फाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ हाइपरबोला। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट एक्स एंड वाई। तो स्टार्ट करते हैं, पहला डेरिवेटिव ले लें आप इसको। डेरिवेटिव लिया तो आपके पास कुछ इस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया आपके पास बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एक्स ओवर वाई। ये बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ये कॉन्स्टेंट है, यू नो के। और इसके बाद हम सिंगल इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव भी ले लिया हमने, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे। वाई स्क्वायर नीचे जो जो डिनोमिनेटर है वो वैसे का नोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स का 1 माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पे है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एक्स ओवर वाई। तो उसके बाद इसको फर्दर एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपके पास। एलसीएम लेना है हमने यहाँ पे बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे। और साथ आपका जो नीचे था इसको हमने 1 ओवर वाई स्क्वायर कर दिया। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई क्यूब, और ये आपका कॉन्स्टेंट बाहर की तरफ गया हुआ है। डी वाई ओवर डी एक्स इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे ये मौजूद है, पुट कर दी यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने क्या करना है, जरा इसको सिंप्लीफाई किया तो कट गए। कटने के बाद आपके पास आ जाएगा ये वाला बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बी फोर हो जाएगा माइनस ये आ जाएगा ओवर ए स्क्वायर वाई क्यूब। तो इसको सेकेंड हमने स्टार नेम दे दिया। सो अल्फा का फार्मूला आपको पता है एक्स माइनस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश उसका स्क्वायर ओवर वाई डबल डैश। वैल्यूज जस्ट पुट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव की ये वाली वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू का उसका स्क्वायर ओवर सेकंड डेरिवेटिव। तो हमने क्या करना है, एक्स माइनस ये वाली वैल्यू इसका एलसीएम लेके इसको जरा ये फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से ए स्क्वायर ओवर वाई क्यूब ये और बी फोर, तो वी रेज फोर, और यहाँ भी ये वाला इसका एलसीएम लेके। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर देंगे हम एक्स प्लस ये देखें। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला माइनस ये वाला मिलके प्लस बना देगा इसको, ये कैंसिल कर कर आगे हमारे पास ये बचेंगे। तो मैंने इसको जरा ब्रेक किया हुआ है, इसको देखे ब्रेक कर करने के बाद हम यहाँ से ए स्केयर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर बी स्केयर माइनस ए स्केयर बी स्केयर प्लस बी फोर रेज फोर एक्स स्केयर, ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस एक्स ओवर बी स्केयर ए फोर, और यहाँ पे ये वाली वैल्यूज आपके पास मैंने लिख दी। सिंपल है ये सिंप्लीफिकेशन, तो यहाँ से आसान है, आप कर सकते हैं इजीली। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। x प्लस एक्स ओवर बी स्केयर ए फोर, तो ए स्केयर एक्स स्केयर बी स्केयर माइनस एक्स ओवर ए फोर बी स्केयर ए फोर बी स्केयर प्लस एक्स ओवर ए बी स्केयर ए फोर बी रेज फोर एक्स स्केयर। इनको कट करने के बाद हमने कुछ कट किया हुआ है, x प्लस एक्स क्यूब ओवर ए स्केयर माइनस एक्स प्लस, ये देखिए ये माइनस का x है ये प्लस का x है, कट गया एक्स क्यूब बी स्केयर ओवर ए फोर। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, और एक्स क्यूब इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर ए रेज फोर, ये आपके पास अल्फा आ गया। नाउ बीटा हम फाइंड आउट करते हैं, बीटा इज इक्वल टू वाई प्लस 1 प्लस वाई सिंगल डेरिवेटिव स्केयर ओवर सेकंड डेरिवेटिव प्लस इज इक्वल टू वाई प्लस 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्केयर ओवर सेकंड डेरिवेटिव। जस्ट फ्रैक्शन को चेंज किया हमने इसको यहाँ पे, और इसका एलसीएम ले लिया हमने। उसके बाद ये कट कर दें, वैल्यूज कट करने के बाद हमारे पास बचा ए स्केयर ए स्केयर ए फोर को मिल गया ए स्केयर ए स्केयर वाई स्केयर प्लस बी स्केयर बी स्केयर एक्स स्केयर, ठीक हो गया। वाई माइनस ये हमारे पास वाई ओवर ये आ गया, वाई माइनस यहाँ भी देखें आपके पास ए रेज फोर एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस बी स्केयर कॉमन ले लिया ए स्केयर बी स्केयर प्लस ए स्केयर वाई स्केयर आ गया आपके पास। तो उसके बाद ए रेज फोर वाई स्केयर प्लस ए स्केयर बी फोर प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर ए स्केयर बी स्केयर और यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट अंदर।
उसके बाद हमने क्या करना, वाई माइनस ये वाले को सारे से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी हमने, ए वाई ओवर बी ए फोर, और यहाँ पे हमने ये वाला लिख दिया प्लस ये वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो ये आ गया। सिंप्लीफिकेशन की तो ये कुछ कटने के बाद ये वाली वाई माइनस वाई क्यूब ओवर ए वाई क्यूब ए स्क्वेयर और बी फोर माइनस वाई क्यूब ओवर बी स्क्वेयर, तो वाई प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस वाई क्यूब, इनको हमने जरा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया, ए स्क्वेयर ओवर बी फोर प्लस वन ओवर बी स्क्वेयर, माइनस का साइन बाहर पड़ा हुआ है आपका, वाई क्यूब ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ओवर ए बी रेज फोर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एस्ट्रॉयड, ये कर्व जो है ये एस्ट्रॉयड है, एक्स रेज 2/3 प्लस वाई रेज 2/3 इज इक्वल टू 2 बाय ए रेज 2/3, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड कर देंगे, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। 6 यूनिट में आप इस तरह के बहुत से डेरिवेटिव निकाल चुके हैं ये वाली वैल्यू के ना, तो आपको आसान है इसको फाइंड आउट करना, डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ये वाला हो गया, तो इसको हमने इसके साइन जब ऊपर नीचे ले कर देंगे इसको, तो वाई रेज 1/3 एक्स रेज 1/3, तो ये आ जाएगा वाई ओवर एक्स रेज 1/3, ये माइनस का बाहर है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, तो ये देखें ये एक्स का स्केयर, ये जो है हमारे पास एक्स की 1/3 है, उसका स्केयर एक्स 1/3 इधर आ जाएगा, और इसका जो वाई जो है, जो ऊपर हमारा नोमिनेटर था न्यूमिनेटर है, उसका डेरिवेटिव लेंगे 1/3 स्टार्ट में, उसके बाद में कम ही कर देंगे, तो वाई रेज -2/3 पावर छोड़ कर डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई रेज 1/3 एज इट इज। सिमिलरली एक्स का डेरिवेटिव जहाँ डी एक्स लिखेंगे, डी एक्स ओवर डी एक्स लिखेंगे, 1 आ जाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करें, डी वाई डी एक्स ये इसकी पावर ये नेगेटिव में नीचे रह जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पे एक्स की हो जाएगी, ऐसे डी वाई डी एक्स इक्वल टू -1, ये हमारे पास मौजूद है, हिंट दिया आपको ना, तो -1/3। यहाँ पे आप इसको जरा और सिंप्लीफाई कर लें, डी वाई डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, कट करेंगे, कट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी, -1/3 -1/y रेज 1/3 -y रेज 1/3 एक्स रेज 2/3, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे -1/3 -1 यहाँ से बाहर ले लेते हैं हम, जब इसको एलसीएम लेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू आपके पास नीचे के नीचे ऐसे ही आ जाएगी, ये एलसीएम लिया ना ऊपर वाली का, और ये जो था ना इसको हम चेंज कर देंगे फ्रैक्शन, इसको थोड़ा सा हमने बाहर निकाले 1/x रेज 2/3, तो यहाँ पे ये बच गया ए रेज 2/3, ये इस सारी की जगह पे हमने लिख दिया, ये हमने हमारे पास फार्मूला था और फंक्शन था स्टार्ट में, तो ऐसे लिख दिया, नीचे वाला लिख दिया हमने ऐसे, वाई रेज 1/3 और एक्स 2/3, 2/3 का मिला दिया हमने, ये देखें एक हम बाहर ले गए हैं ऐसे, तो उसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा, ए रेज 2/3 ओवर 3 एक्स रेज 4/3 वाई रेज 1/3 सेकंड डेरिवेटिव। द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स आर अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डैश इनटू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर और वाई डबल डैश, तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है आपने, यहाँ तक वैल्यूज पुट करने के बाद आपने ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला हमने इधर लिख दिया, इसका एलसीएम ले लिया, ये वाला देखो एलसीएम ले लिया, इसका स्क्वायर लेने के बाद 2/3 हो जाएगा ना, वाई रेज 2/3 एक्स रेज 2/3 इसका एलसीएम ले लेंगे, और ये जो फ्रैक्शन है इसको चेंज करके लिख दिया, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, फिर उसके बाद आप कटिंग कर दें इनकी, कटिंग करने के बाद आपके पास वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस इंटू 3 y raised 2/3 x raised 1/3 और आपका ये अल्फा आ जाएगा। नाउ बीटा हम लिखते हैं, बीटा इज इक्वल टू वाई प्लस 1 प्लस वाई रेज वाई सिंगल डेरिवेटिव स्क्वायर ओवर दिस, तो हमारे पास ये मौजूद है वैल्यूज, हमने इनको लिख दिया, डेरिवेटिव भी निकाल लिया, सिमिलरली अभी मैंने बताया आपको इनकी वैल्यूज पुट कर दें, ये देखें इसका वाई रेज 2/3 हो जाएगा, एक्स रेज 2/3 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके ये हमारे पास आ जाएगा ओवर दिस, और ये सिमिलरली न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे जब फ्रैक्शन चेंज करेंगे, तो इस तरह से इनको कट कर देंगे, कुछ वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी आपको, वो पुट करने के बाद आपके पास बीटा आ जाएगा वाई प्लस 3 y raised 1/3 एक्स रेज 2/3, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स आर दिस। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एक्स इज इक्वल टू 3t वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर -6, तो ये आपके पास देख लें, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी डी एक्स ओवर डी टी ये आ गया, डी वाई ओवर डी टी 2t आ गया, बाय चेन रूल से हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स,
तो डी टी ओवर डी एक्स, इसको 1 ओवर 3, इसका देखें ये 2 डी आ जाएगा, इसका 1 ओवर 3 आ जाएगा, ये 3 था तो इसको रिवर्स कर देंगे, 1 ओवर 3, 2/3 t, 1 आ गया डेरिवेटिव, डी वाई ओवर डी एक्स सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे 2/3, डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा, डी टी की वैल्यू हमारे पास है 1/3, तो इसको मिलाएंगे 2/9। सेंटर ऑफ कर्वेचर्स आर, ये सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने फाइंड आउट करने हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई सिंगल डेरिवेटिव इनटू 1 + y सिंगल डेरिवेटिव स्क्वायर और y डबल डेरिवेटिव, x इक्वल टू 3t है हमारे पास, x इक्वल टू 3t लिख दिया, माइनस 2/3 t इनटू 1 + 2t/3 होल स्क्वायर, ये सिर्फ इसका स्क्वायर है ना फर्स्ट डेरिवेटिव का, 2/9। तो इसके बाद इसको लिख दिया, इसका स्क्वायर खोल के एलसीएम लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 9/2 लिख दिया इसको हमने, इसका स्क्वायर खोल के एलसीएम लिया तो 9 + 4t/9 आ गया, 9 9 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा 3t - t/3 × 9 + 4t². तो उसके बाद आपने क्या करना है, 3t माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आएगी, जब इसको कट करेंगे -40/t³ ये आ गया, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू y + 1 + y सिंगल डेरिवेटिव स्क्वायर ओवर y डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू t² - 6 प्लस, ये आपके पास है ना वाई की वैल्यू, ये 1 + 2/2t/3² और यहाँ पे 2/9 सेकेंड डेरिवेटिव, t² - 6 + 2/9 9 + 4t² / 9। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3t² - 3/2, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, t² - 1/2 ये आ जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर आर अल्फा एंड बीटा, ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी एट एक्स एंड वाई, ये हमारे पास क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट कर दे डी वाई ओवर डी एक्स, सी इसका डेरिवेटिव लिया साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी और इसके एंगल का डेरिवेटिव 1/c, साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी ये आ गया, सेकंड डेरिवेटिव ले लें आप उसका, कॉस हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी 1/c 1/c कॉस हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके पास है x - y' × 1 + y'² / y" मीन्स डबल डेरिवेटिव, ठीक है, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं सिंगल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर ओवर डबल डेरिवेटिव, तो इसको फर्दर जरा ओपन करें तो आपके पास ये मैंने बताया हुआ है कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, तो जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगी ऐसी, तो आप उनको इस तरह से लिख के ये देखें, ये आपके x माइनस सी साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया अल्फा। नाउ बीटा हम लिखते हैं, बीटा हमारे पास है y प्लस 1 प्लस y सिंगल डेरिवेटिव स्क्वायर ओवर y डबल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी आपके पास है, वैल्यूज जरा जस्ट यहाँ पे पुट कर दें और इसको सिंपलीफाई करना है, इस कैलिबर पे तो सिंपलीफाई करना बहुत आसान है, आप कर सकते हैं क्योंकि आप जो इस स्टेज पे पहुंचते हैं उसके लिए इस तरह की सिंपलीफिकेशन तो बहुत आसान है, अगर उसने ग्रेजुएशन करनी है तो ये आपके पास करते कराते, बीटा इज इक्वल टू 2 बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर आर दिस। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑफ द ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू f ऑफ t y इज इक्वल टू g ऑफ t डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, t मीन गिवन है ना फंक्शन, तो आपके पास बाय चेन रूल होगा, ठीक है, dy ओवर dt dt ओवर dx, तो यहां पे dy ओवर dx आपके पास g डैश ऑफ t ओवर f डैश ऑफ t डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t अगेन, तो ये देखें हमारे पास ये क्वेश्चन रूल अप्लाई हो जाएगा, जो जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेंगे g डबल डैश ऑफ t और यहां पे dt ओवर dx आ जाएगा, इसके एंगल का भी लेंगे ना माइनस g डैश ऑफ t f डबल डैश ऑफ t into dt ओवर dx एंगल का डेरिवेटिव लिया, dt ओवर dx कॉमन ले लिया भाई, यहां पे f डैश ऑफ t g डैश ऑफ t माइनस g डैश ऑफ t f डबल डैश ऑफ t ओवर f डैश ऑफ t इसका स्क्वायर, f डैश में पढ़ता हूं सिंगल डेरिवेटिव को ना, तो ये आप समझ लेंगे शॉर्टली पढ़ रहा हूं, f डैश ऑफ t g डबल डैश ऑफ t माइनस g डैश ऑफ t f डबल डैश ऑफ t ओवर f सिंगल डैश ऑफ t और यहां पे 1 ओवर f ऑफ f डैश ऑफ t, ये इसका इसकी वैल्यू आ गई। अब डबल डेरिवेटिव को हम अरेंज करते हैं, f डैश ऑफ t g डबल डैश ऑफ t माइनस g डैश ऑफ t f डबल डैश ऑफ t ओवर f डैश ऑफ t³, ये स्क्वायर और ये मिलके t³ हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, और अब सो अल्फा हमारे पास है x माइनस y डैश ऑफ y सिंगल डैश इनटू 1 प्लस y डैश स्क्वायर ओवर y डबल डैश, x इज इक्वल टू f ऑफ t है हमारे पास यहां पे, तो आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें f ऑफ t माइनस g डैश ऑफ t
ओवर एफ डैश ऑफ टी इंटू वन प्लस जी डैश ऑफ टी ओवर एफ डैश ऑफ टी इसका स्क्वेयर, और यहाँ पे नीचे सिंगल ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है सर, एफ डैश ऑफ टी जी डैश ऑफ टी माइनस एफ डैश डबल डैश ऑफ टी जी डैश ऑफ टी ओवर एफ डैश ऑफ टी क्यूब, एफ ऑफ टी माइनस जी डैश ऑफ टी ओवर एफ डैश ऑफ टी, और जो नीचे वाला था उसको ये हमने इस तरह से लिख दिया एफ डैश ऑफ टी ये क्यूब, और ये आपके पास नीचे वैल्यूज आ जाएंगे। और इसका स्केयर ओपन करके हमने क्या किया, इसको इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने इसको ऐसे लिख दिया, कट कर दें जो कट होता है एफ ऑफ टी माइनस एफ डैश ऑफ टी स्केयर प्लस जी डैश ऑफ टी स्केयर जी डैश ऑफ टी और ओवर ये, तो आप इसको लिख दें एफ डैश ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस जी डैश ऑफ टी इंटू एफ डैश ऑफ टी स्केयर प्लस जी डैश ऑफ टी स्केयर ओवर एफ डैश ऑफ टी जी डबल डैश ऑफ टी माइनस जी डैश ऑफ टी एफ डबल डैश ऑफ टी। सिमिलरली बीटा वैल्यूज पुट करते हैं हम, बीटा इज इक्वल टू वाई प्लस ये वाला फार्मूला आपके पास आ गया, वैल्यूज उसी तरह पुट कर दें आप, ठीक है। जब इस तरह से पुट करेंगे तो ये वाली चेंज हो जाएगी ना, जैसे देखें ये फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन ये डिनोमिनेटर जो है नोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, और ये नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। इसका स्केयर ओपन करके इसको एलसीएम लेके ये हमने लिख दिया, कट कर दें, कट करने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यूज आ कट बीटा आपके पास बीटा इज इक्वल टू जी डैश ऑफ टी प्लस एफ डैश ऑफ टी और एफ डैश ऑफ टी स्क्वायर जी डैश ऑफ टी स्क्वायर और ओवर ही आ जाएगा। तो ये थी आज की एक्सरसाइज, आपको समझ आई होगी, इसको लाइक कर दें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको लाइक करें, नेक्स्ट वीडियो में लगा दोगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।